हाय गाइस, तो कैसे आप लोग यार, क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं मन से? हाँ भाई, एकदम मन से काम कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो बात करें गाइडेंस के बारे में, गाइडेंस ऑफ आईटीजी। पता है जब मैं 10th में था तो मुझे ऐसे पता नहीं था कि करना कैसे है, आईटी कैसे क्लियर करेंगे, जी मेंस कैसे क्लियर करेंगे, बोर्ड्स को कैसे मैनेज करेंगे, सब चीज़ों को साथ लेकर कैसे हम लोग करेंगे, इतना बड़ा सिलेबस है उसे कैसे कवर करेंगे। इन सब चीज़ों में मैं फंस गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, किससे पूछूँ। तो मैंने अपने भैया से बात किया, वो 13th में थे, तो मैंने उनसे बात किया, लेकिन बहुत चीज़ों की कमी मुझे लगी थोड़ी बहुत, ठीक है। और फिर जब मैं कोटा गया तो फिर जब मैंने वहाँ पे टीचर से बात किया, तो टीचर से बात करने में, उनसे गाइडेंस लेने में एक जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है ना, कि वो कनेक्शन वाली फीलिंग नहीं आती टीचर के साथ। आप उनसे ज़्यादा डेप्थ में जाके, ज़्यादा डिटेल्ड में जाके एनालिसिस नहीं कर सकते कि सर मेरा ये ऐसा हाल है, मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे क्या करूं, मेरा टाइम इतना कम बचा है, मेरा टेस्ट में अच्छे स्कोर्स नहीं हो रहे हैं, मैं एडवांस कैसे क्लियर करूं, मैं जी मेंस कैसे क्लियर करूं। तो टीचर के साथ ये सिचुएशन होता था, पूरा डिटेल एनालिसिस नहीं होता था। और फिर जो कनेक्शन होता है ना टीचर के साथ, उसकी एकदम कमी लगती थी, वो वैसी फीलिंग नहीं आती थी। मतलब एक बॉन्ड की फीलिंग आ रही है, कनेक्शन की फीलिंग आ रही है, जो आप लोगों को मेरे साथ आती है, ठीक है। जब मैं आप लोगों को गाइड करता हूं तो आप लोगों को जो फीलिंग आती है, वो फीलिंग मुझे उन टीचर्स के थ्रू नहीं आता था। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि गाइडेंस कितना इंपॉर्टेंट है। आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होता है, आपके पास बुक्स अवेलेबल होते हैं, आपके पास मटेरियल्स अवेलेबल होता है, आपके पास नोट्स होता है होते हैं, आपके पास टीचर्स होते हैं, आपके पास कोचिंग होता है। लेकिन एक गाइडेंस जो है, जिन लोगों ने आईटीजी निकाल लिया है, जिन लोगों ने क्रैक कर लिया है, जिन लोगों ने मेंस में अच्छा किया है, जी मेंस में अच्छा किया है, नीट में अच्छा किया है, जिन लोगों ने एडवांस में अच्छा किया है, उनसे आप बात करोगे, उनसे आप पूछोगे, उनसे आप गाइडेंस लोगे, तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा करोगे अपने लाइफ में। आपके पास एज हो जाएगा, जैसे आप बोलोगे भैया मुझे एज बताओ, तो आपके पास बहुत बड़ा एज हो जाएगा अगर आप उनसे बात करते हो, उनसे गाइडेंस लेते हो। तो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक बहुत अच्छी, जो मेरे ऑडियंस के लिए बेस्ट सूटेड है, वो एक स्टार्टअप, एक कंसल्टेंसी स्टार्टअप, यानी कि जेई वे के बारे में बात करने वाला हूँ। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय जेई वे, उन्होंने उनके थ्रू वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। वो आईटीएंस है, दे आर द बंच ऑफ आईटीएंस, ठीक है, वो चेन ऑफ आईटीएंस है। वो लोग आपसे बात करते हैं, यू बुक अ कॉल, आप कॉल बुक करते हो, ठीक है, फिर दे विल टॉक टू यू, वो आपसे बात करेंगे, वो आपकी हर एक प्रॉब्लम्स को आप उनसे पूछोगे, वो आपको समझाएंगे, वो आपको आईटीजी की प्रिपरेशन में पूरा हेल्प करेंगे कि कैसे क्या करते हैं, वो आपको बताएंगे, आप उनसे हर एक डाउट पूछ सकते हो, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कैसे क्या करना है वो पूछ सकते हो। अगर मेरे टाइम में यार मुझे जेई वे के बारे में पता होता तो मैं पक्का उनसे बात करता, उनके पास जाता, उनसे प्रॉब्लम्स पूछता, उनसे सॉल्यूशंस लेता, क्योंकि वो आईटीएंस है, वो अपने लेवल पे पहुंच चुके हैं और वो आपको भी पहुंचा सकते हैं। अगर आप उनसे बात करना स्टार्ट करोगे, उनसे सीखना स्टार्ट करोगे, उनसे कंसल्टेंसी लेना चालू करोगे, तो आप उनसे बहुत ईजिली सीख सकते हो। और कुछ नहीं है यार, बहुत ईजी है, जेई वे बहुत ईजी प्लेटफॉर्म है। आप बस एक वेबसाइट पर जाना है, आपको वहाँ पर क्लिक करना है, शेड्यूल कॉल करना है, ठीक है, मैं वीडियो भी दे दूंगा एट लास्ट कि आपको कैसे आप वो जा सकते हो जेई वे के थ्रू। आपको एक फॉर्म आएगा, वो फिलअप करना है, ठीक है, और थोड़ी देर में, बस कुछ ही देर में, वो आपको जेई वे के जो टीम है वो आपको कनेक्ट करती है, वो आपसे बात करती है, ठीक है, फिर वो आपको गाइडेंस देती है, आपके जो डाउट्स हैं उनको वो आंसर्स करती है, वो आपको इस तरह से काम करती है। तो ये बेस्ट होता है आप लोगों के लिए, बेस्ट होगा अगर आप एक आईटीएन से गाइडेंस लेते हो। अगर आप एक अच्छे आईटीएन जो उस लेवल पर पहुंच चुका है, आप उनसे अगर बात करते हो, आप पूछते हो भैया मैं कैसे जी मेंस निकालूं, मैं कैसे एडवांस निकालूं, ये सब क्वेश्चंस के बारे में आप उनसे पूछते हो, तो वो आपको बेस्ट सजेशन दे सकते हैं, वो आपको बेस्ट बताएंगे, क्योंकि वो उन चीज़ों से निकल चुके हैं अभी वो उन चीज़ों से उन्होंने पार किया, उन चीज़ों को बहुत ईजी तरीके से पार किया है। आप उनसे सीख सकते हो। और अगर अभी वो बुकिंग कॉस्ट जो है वो 100 रुपये है फॉर वन कॉल, आप अगर बुक करते हो कॉल, तो ठीक है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो, अगर आप मेरे कूपन कोड को यूज़ करते हो, तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड है ADS70, एकदम सही सुना आपने, ADS70। आप इस कूपन कोड को अगर यूज़ करते हो, ठीक है, तो आपको प्राइस जो है वो 30% डिस्काउंट पे मिलेगा। ये बेस्ट पार्ट है। अगर 100 रुपये लगते हैं एक्चुअली कॉल करने के, मतलब एक कॉल बुक करने के, आप 70 रुपीज में वो कॉल बुक कर सकते हो, उन आईटीएन से बात कर सकते हो, कनेक्शन बना सकते हो उनसे। आप पूछ सकते हो भैया मैं जी मेंस कैसे निकालूं, मैं जी एडवांस कैसे निकालूं, मैं फंस गया हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर करूं। आपको बुक्स मिल जाएगा हर जगह, आपको मटेरियल्स हर जगह मिल जाएगा, लेकिन वो जो गाइडेंस है ना, बेस्ट गाइडेंस जो है
उसकी कमी आपको होगी और वो आपको जेईई वे के थ्रू मिल सकती है। तो इस वीडियो के एंड में देखो कि कैसे आप जेईई वे के फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। मैं एक वीडियो बना दूंगा, मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। मैं अपना कूपन कोड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस कूपन कोड को जाके यूज करो ADS70 और यू विल गेट 30% डिस्काउंट। बहुत अच्छा है यार, मैंने खुद उन लोगों से बात किया है, मैंने खुद हर चीज सिक्योर किया है उन लोगों से चेक करके, फिर जाके मैं इस पे पहुंचा हूं, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी कंसल्टेंसी मुझे बहुत अच्छी लगी। हर एक इरिटेटिंग क्वेश्चन, हर एक मतलब स्टूपिड क्वेश्चन के उन्होंने मुझे आंसर्स किए जो मेरे टाइम में जेईई के थे प्रॉब्लम्स। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने ऐसे ही, तो उन्होंने हर एक क्वेश्चन का आंसर किया। तो आप ये करो, आप उनसे जाके बात करो, आप जाओ उनके पास, ठीक है। आप मेरा डिस्काउंट कूपन यूज़ करो, मेरा कूपन कोड यूज़ करो, और आप अगर मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और जाके उनसे बात करो, उनसे कनेक्शंस लो और मुझे बताओ कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, आपने क्या सीखा उन आईटीएंस चेन ऑफ आईटीएंस है, उन्होंने कैसे आपका हेल्प किया। दे कैन वर्क वंडर्स फॉर यू गाइस, ठीक है। वो आपको बता सकते हैं कि आपको डायरेक्शन दे सकते हैं। अभी के यूथ में क्या है ना कि डायरेक्शन की कमी है। आपको पता है कि मुझे जेईई मेंस निकालना है, आपको पता है कि मुझे आईटी जेईई निकालना है, आपको पता है कि मुझे एडवांस निकालना है, आपको पता है मुझे नीट निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है ये आपको पता नहीं है। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस चाहते हो, अगर आप प्रॉपर चीज़ों को चाहते हो, तो आप जेईई एक बहुत अच्छा टूल है, ठीक है। मेरे हिसाब से आप जाओ उनसे जाके बात करो, कंसल्टेंसी लो, उनसे कॉल पर बात करो, और भी आप कुछ चीज़ें कर सकते हो, वो आपसे बता देंगे, ठीक है। तो डिस्काउंट कोड यूज़ करो यार, कूपन कोड यूज़ करो डिस्क्रिप्शन में और जाके उनसे लो, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब कर देना यार, ढेर सारा वीडियोज़ आने वाला है अभी इस चैनल पे। मैं बहुत काम कर रहा हूँ अभी, बहुत मेहनत चल रहा है, मैं आपके लिए चैप्टर्स बना रहा हूँ, चैप्टर्स के ऑनलाइन टीचिंग के लिए मैं चैप्टर्स को फॉर्म करके उनके वीडियोज़ बना रहा हूँ। बहुत काम कर रहा हूँ अभी, बहुत हार्डवर्क लग रहा है। मैं नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं नोट्स की फोटोज़ खींच रहा हूँ, उन्हें PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आप सोचो, हज़ार पेजेस के नोट्स को मुझे PDF फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपके लिए, मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग भी जाओ, हेल्प करो मेरी, और सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो वीडियो को, और थैंक यू सो मच, अगर वीडियो अच्छा लगा तो देखो। और एंड में मैंने बताया कि कैसे आप वो कर सकते हो, मतलब जेईई का कूपन कोड पे अप्लाई कर सकते हो आप डिस्काउंट, मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। जाओ मेरा कूपन कोड यूज़ करो, उनसे जाके पूछो, उनसे कंसल्टेंसी लो, उनसे हेल्प लो, वो आपको गाइड करेंगे प्रॉपर वे में, आपको वो गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, वो हर एक चीज़ बताएंगे। देर ITNs यार, वो अपने लेवल पर पहुंच चुके हैं और फिर वो आपको सही से गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जाओ गाइडेंस लो, मेरा कूपन कोड यूज़ करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है और ये स्क्रीन पर भी अभी आ रहा होगा, तो कूपन कोड यूज़ करके उनसे बात करो डिस्काउंट प्राइस पे, ठीक है। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।